कंस्ट्रक्शन कंपनी के कम आप एक सोशल वर्कर है, आपके अनगिनत सोशल वर्कर हम आपको तारीफ करके थक जाएंगे, लेकिन आपको भी हमारे इस क्रू फिल्म प्रोडक्शन की ओर से आपको भी हम तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। उसके पश्चात जो हमारे स्पेशल गेस्ट जो विशेष अतिथि के रूप में आया हुआ शख्स वो दूसरा कोई नहीं, श्री तायर कासा जी। आप हैं चेयरमैन चरमचरा वेलफेयर सोसाइटी के सबसे हेड है, आपको भी हम तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे क्रू फिल्म प्रोडक्शन की ओर से। और यहाँ पे बहुत सारा जो शख्स बहुत ही मल्टी टैलेंटेड और सिंगर डांसर और सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे पास बहुत ही एक अंधा कलाकार है मिसेस यामिले जी, नाबम यामिले जी, आप बहुत ही एक ज़बरदस्त बहुत ही एक मेलोडियस क्वीन हमारे सामने, आपको भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। आप हमारे विटनेस के लिए यहाँ आया है, उनकी बहुत अच्छा अच्छा गाना है परी जीरम और एक वारी जवा वारी में जबर एक हिंदी सॉन्ग जो रिसेंटली किया है, उसके बाद होपू सॉन्ग बहुत ही रोमांटिक इमोशनल सॉन्ग है, आप लोग सुनिए यूट्यूब पर जाके, बहुत ही अच्छा उमदा कलाकार, आपको भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और बहुत सारा यहाँ पे ऐसे दफ्तर हाल आयु जी है, खुद एक बहुत ही बेहतर लिरिसिस्ट और एक खुद सिंगर भी है, उसको भी आपको भी मैं नायन जी दत्तर नायन जी आपको भी तहे दिल से हम खुद फिल्म प्रोडक्शन की ओर से आपको हम स्वागत करते हैं। और इनके समाज के दिलों को जीत कर रज करते हैं, वो किसी को जबरदस्त नहीं करते हैं, दम किया नहीं देते हैं, प्यार से सुलझ कर समाज के हित के लिए समाज के प्रति अच्छे कार्य करते हुए वो आज तक इस ईटानगर जो ये हमारा बस्ती में गांव में मेरा पिताजी का पिताजी जो पाल के रखा वाला को जो जब बचपन में जो ना खाना वाना नहीं था उससे खा के जीता था, इमरजेंसी में उसको काट के अंदर में जो होता है उसको काटा था। उसके बाद में ये जो बहुत अच्छा चीज़ है तसे जो ना, और इसी कहानी को आज हम लोग को फिर देखने मिला है, बहुत अच्छा लगा। आज तासी का रिलीज हुआ है तो आप कैसा लगा मीन्स आपको देखिए? बहुत अच्छा लगा है, आगे जमाना का याद आ गया और तसे को देखिए ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आपको आपको कैसा फील हुआ तासे आज रिलीज हुआ है डॉक्यूमेंट्री? आज का जो
वो फिल्म का बहुत अच्छा लगा है। ऐसा वो हम लोग का ट्रेडिशनल जो नेचुरल हम लोग का जो बनकर आया है ना, जो हम तसे बोलते हैं दिखाया है ना, जो जमाने में ऐसा हम लोग का दादा लू जम करके आया है ना, वो रियलिटी को दिखाया है। वो कहीं ऐसा बनावट नहीं, वो रियल ऐसा है। हम लोग का यहाँ में समुदाय लोग ऐसा करके आया है, अभी भी है पहाड़ों में हमारे ये ना समुदाय लोग ऐसा ही करके अभी भी है खाता है। और हम लोग सोचता है कि मतलब ना उनको हम ऐसा बरकरार रखने से ठीक है। और रामायण में कैपिटल में तो और या में तो होता ही नहीं है ना, उसको कुछ चीज़ को प्रजा ना सरकार जो अच्छा से मतलब तो जहाँ में होता है ना वो जगह में अच्छा से उसको मतलब मौर्य मंदिरा में आगे बढ़ने के लिए उसको सरकार जो कुछ उसके ऊपर कुछ सपोर्ट देने से दिखे वही हम सोचते हैं। बहुत अच्छा लगा है तसे हमारे जो निशिका जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये जो हाँ हमारे जो निशिका डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये एक्चुअली मैक्सिमम हमारे जो कुरुंग में वहाँ पे पाया जाता है और वहाँ जो पहाड़ी इलाका में बनाया जाता है। ये जो पुरोहित नाम के कुछ लोग हैं उसका अलावा कुछ नहीं है, हम आम आदमी इतना आसानी से नहीं ले सकते। मतलब आपको देखो कैसा लगा, मिक्स अच्छा तो लगा है ना? हाँ बहुत अच्छा लगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और नाम मेरा जो ना हम कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये हमारे यहाँ कुरुंगकुमे खराद आदि में पाया जाता है जो पहाड़ी इलाका ही है। आपका नाम? मेरा नाम थादर अन्या और हम कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैम आपका नाम? एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक तसे आज हुआ तो आपको देखिए कैसा मतलब देखिए कैसा फील हुआ है? देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी फील हुआ है। पहली बार ऐसे मूवी जो हम देखने मिल रहा है कि अपना जो लोकल जो अपना तसे के बारे में ना जो तसे के बारे में है तो मुझे बहुत अच्छा ही लगा है। सब लोग इसे देखना चाहिए ये मूवी को। थैंक यू। हमारे यहाँ पे एक्चुअली आज तसे रिलीज है, आपने भी देखा तो कैसा मतलब देख के आपको कैसा लगा? मीन अच्छा ही लगा। तो आपने कभी तसे बनाया? नहीं बनाया तो नहीं है लेकिन तसे खाया जरूर है। तसे को बहुत अलग अलग स्टाइल से बना के खाता है। और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? हम लोग खरा दादी से। खरा दादी से। आपने जो तसे देखा आपको कैसा लगा? हाँ अपना लैंग्वेज बोले। कोई बात अच्छा लगा। हम लोग भी तसे के बारे में मालूम नहीं था, अभी देख के अच्छा लगा। हम तसे काके देखे। तो आप कभी ऐसे प्रोसेस करके निकाले हो खुद से, जैसा फिल्म में दिखाया गया था वो लकड़ी से काट मार मार के? नहीं हम लोग भी मालूम नहीं है। अच्छा बस्ती में नहीं मिलते ना, बचपन से यहाँ में इसलिए मालूम नहीं है तसे के बारे में। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? हम जो करा दादी काली से। अच्छा करा दादी से। ओके प्रोग्राम हुआ है आज जो वीडियो का और ये फिल्म्स का जो, तो उसमें खासकर जो है आप सबसे पहले जो है हम लोग का जो यूथ्स है यहाँ पे काफ़ी स्किल मौजूद है यूथ्स में जो है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड रहती है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा तरफ से यही है कि जो दिल जहाँ चाहता है, जो दिल जिस चीज़ को करना चाहता है उसको पूरे मन से करना चाहिए। जैसे आप लोग बचपन से सुना है कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, ये सुना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, वो नहीं है। कर्म को दो तरीका से करो, कर्म को आसक्ति के साथ मत करो और कर्म में अहंकार के साथ मत करो। दोनों चीज़ को निभा के करो। कोई भी काम में आप कोई भी काम हो, काम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। और ये कलाकार कला जो मैंने बोला है कलाकार एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कला ये है, क्योंकि इसमें सबसे मतलब चुने हुए लोग ही यहाँ काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब टफ जॉब है। और जहाँ जो इसमें जो सक्सेस हो गया दे आर द वन। फिल्म अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है, लड़का लोग बहुत मेहनत किया है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये हकीकत है। तसे जो है मतलब वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड आइटम,
इसमें आपको कोई भी मतलब साइड इफेक्ट नहीं है तसे में, सिर्फ तसे में हम जो बोला पहले प्रोटीन की कमी है इसमें, वो तो कम है। तसे जो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तसे खाने के लिए आपको फिश स्पेशली जो है वो होने से बहुत बढ़िया होता है इसमें। और तसे का तो मल्टीपर्पज यूज है, तसे का हलवा एक समय आप देखेगा तसे कई होटलों तसे का हलवा बना सकता है, तसे का पकौड़ा बना सकता है, तसे सैक बना सकता है, सकप बना सकता है, सवा कर सकता है, मल्टीपर्पज। आप एक दिन देखेगा तसे का लड्डू भी मिलेगा आपको, ये दिख लेना। वो ऐसा है कि इंडिया में दो अभी फिल्म इंस्टीट्यूट रनिंग हो रहा है, एक पुणे में है और एक कोलकाता में है। और ताज फिल्म इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज नाउ कंस्ट्रक्टिंग इन अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ऑल्सो इन जोलंग राकप। और वो बिल्डिंग उस कंस्ट्रक्शन हम बना रहे हैं और पूरा EPC में है। और ये जो है अभी आपको 2024 से पहले बन के तैयार हो जाएगा। और हम लोग का जो साउंड स्टूडियो है, शूटिंग फ्लोर है, इतना बढ़िया से बना है, इतना वेल डिजाइन है, एकदम लेटेस्ट और वर्ल्ड क्लास का ये आपका। तो ये बन जाने का साथ साथ में जो अरुणाचल में जो लड़का लड़की जो कलाकार बनना चाहता है, जो फिल्मी दुनिया में जो सपना देखता है, उनको बहुत अवसर मिलेगा। और इन लोग को हम लोग की आगे वुमेन को ये भी आपको खत्म करने, हम भी अपना जहाँ मौका मिलेगा बोलेगा कि इन लोग को ऊपर इन लोग को भी इसमें स्पेशल चांस मतलब रिजर्वेशन का होता देना चाहिए। तो जो दर्शकों अभी देख रहे हैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो अभी आपको मैं बोला था 24 से पहले आपको उसका उपयोग में आपको दिख रही स्कोप हमारा लड़का लड़की हमारा बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ क्या है कि जो भी कलाकार बन जाता है उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनका, क्योंकि हमारा यहाँ दर्शक कम है। और बेसिकली आपको पता है कोई भी फिल्म हो वो दर्शक का ऊपर ही चलता है, उसका पॉपुलेशन कम होता है। हमारा जो लोकल जो भी फिल्म बनते हैं, जो गाना गाते हैं, उसको सुनने वाला बहुत कम होता है। तो इसको हम लोग का जैसे यहाँ में जो एंटरप्रेनर्स लोग होता है, जो वेल टू डू, जो जिसका पास अच्छा खासा है, उन लोग इनको एक्सपोजर करके करके इसको तो आगे बढ़ाना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ डेवलपमेंट। और ये लड़का लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं इसको दिल से वोमेन शुड सपोर्ट दिस, ये लड़का लोग को पिकअप करके वोमेन एक्सपोजर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज रियल प्रोजेक्ट।